Hello students, let us understand the following question. This question, the question says, 5 books and 7 pens together cost rupees 79, whereas 7 books and 5 pens together cost rupees 77. Then we need to find the cost of 1 book and 2 pens. Okay, हमें 1 book और 2 pens की जो cost आएगी total वो हमें बताने की कितने होगी. So let's start. First of all, write down the given information. We have हमारे पास given है. तो cost है हमारे पास 5 books plus 7 pens equal to rupees 79 and 7 books plus 5 pens की जो cost है वो equal है rupees 77. Now let's move on solution part. इसका solution देख लेते हैं. First of all हम क्या करते हैं my dear students, हम let कर लेते हैं कि let the cost of one book is equal to rupees x, okay, and cost of one pen, ये भी हम ऐड कर लेते हैं, is equal to rupees y. So देखिए, according to the question जो कॉस्ट है 5 बुक्स दैट इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये किसके हो जाएगा 79. एक इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ से और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77. ओके, ये इसको लेट से इक्वेशन 2, इसको हमने 1 कहा था और क्योंकि 7 बुक्स और प्लस 5 पेन इक्वल टू 77 और 5 बुक्स प्लस 7 पेन इक्वल टू 79 है. कॉस्ट ऑफ हमने 1 बुक मानी है वो रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज वाई. ओके, नाउ फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं. अब क्या करते हैं, अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी विल गेट 5x प्लस 7x दैट इज हमें कितना मिल जाएगा 12x और 7y प्लस 5y दैट इज 12y will be equal to 79 plus 77, so that will be equal to 156. okay, और अगर हम क्या करें both side 12 से divide कर दें so ये मिलेगा हमें x plus y is equal to 13. okay, और इसको let's say equation 3. now अब हम क्या करते हैं equation 1 और 2 में से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इससे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो 7x माइनस 5x दैट इज 2x और 5y माइनस 7y दैट इज माइनस 2y विल बी इक्वल टू 77 माइनस 79 दैट इज माइनस का 2 हमें मिलेगा. सो अगर हम बोथ साइड क्या करें 2 से डिवाइड कर दें सो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस 1. ओके, और इसको लेट से इक्वेशन 4. अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 और 4 पे ऐड कर देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, सो वी विल गेट x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 13 प्लस माइनस 1. सो माइनस वाई माइनस वाई, सो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, सॉरी. ओके, सो एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 12. सो x की मेरी जो वैल्यू आएगी 2 से कितना 6 टाइम चला जाएगा, सो x की वैल्यू रही मेरी 6. नाउ इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में भी, सो इसको पुट कर देते हैं 4 में. पुट इन इक्वेशन 4, हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 4 हमारी क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. सो x की वैल्यू लगाइए 6 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. सो 6 माइनस 1 जो है लेफ्ट साइड आने के बाद प्लस का हो जाएगा इक्वल टू y, राइट साइड ले गया मैं, माइनस का y था सो प्लस का हो गया. सो y की वैल्यू मेरी क्या रही
सेवन. ओके सो हम कॉस्ट की अगर बात करें तो मेरी कॉस्ट आएगी जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड टू पेंस. सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई. ओके यही तो मेरा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन बुक को हमने क्या माना था, एक्स माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेन को हमने क्या माना था, वाई. तो यहाँ पे टू पेन की बात हो रही है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इसको अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, सिक्स, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, सेवन. सिक्स प्लस टू इंटू सेवन, सो दैट विल बी इक्वल टू सिक्स प्लस फोर्टीन, और दैट विल बी इक्वल टू 20. सो जो मेरी कॉस्ट आ जाएगी टोटल ₹20. ओके सो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए, ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है. यू कैन से दैट ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो रही वो ₹20, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.